हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और B2P इवेंट सेमेस्टर रिजल्ट 2022 अपडेट, यानी कि जो आपका रिजल्ट अपडेट होने वाला है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट अपडेट कब तक होगा। और जाहिर सी बात है कि परेशानी हो रही होगी, खास करके जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं उनको तो थोड़ा सा मतलब कम परेशानी हो रहा होगा, लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही। अगर उनसे रिजल्ट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह मांग लिया जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका जब रिजल्ट में ही डाटा पूरा गलत है, एब्सेंट है, 00 नंबर है, ए है, कोई टेक्निकल समस्या है, रिजल्ट पूरा इनकम्प्लीट है, या फिर ईयर बैक बैक लगी है, तो वो तो अलग की बात है। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किन किन बच्चों का अपडेट होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को मालूम है कि हाँ किन किन बच्चों का रिजल्ट अपडेट होगा। अब समस्या यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि आखिर आपका रिजल्ट कब तक अपडेट होगा, किस तारीख तक अपडेट होगा। तो फाइनल इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके पास बहुत सारे बच्चों के पास इस तरीके के कॉल आ रहे हैं, अगर आपकी बैक लगी है, ईयर बैक लगी, या फिर कह लीजिए कि आपके रिजल्ट में कोई भी त्रुटि है, तो इसको लेकर आपके फोन वगैरह आ रहे होंगे कि आप इतना पैसा दीजिए, ये कर देंगे हम आपका सही करा देंगे, ये बोर्ड से आ सकती है, हो सकता है कहीं से भी वो आपके पास कॉल आ सकता है। तो इस तरीके के आप केसेज अगर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास वगैरह भी कॉल आ रहे हैं, तो आप फ्रॉड के केसेज में नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो भोले भाले होते हैं सोचने लगते हैं सही बात है, कुछ पैसा देकर के क्लियर करा लेंगे, इसलिए टेंशन रहती है उनके मन में कि मेरी बैग लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, MW है, एबसेंट है, 00 नंबर आ रहा है, अगर क्लियर हो जाता है कुछ पैसा देकर के तो क्लियर करा ले, तो इन सब झांसों में आप नहीं पड़ेंगे। ये अपडेट आपके B2P के जावेद मुस्तफा सर हैं, जो आपके कलियर के जर्नलिस्ट है लखनऊ में, वो उन्होंने भी सारी चीज़ें साझा कर दी है, उन्होंने भी आपके आपको चेतावनी दे दी है। अदरवाइज आपके न्यूज़पेपर से भी, कई न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ आ गई हैं कि इस तरीके के फ्रॉड की चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले जो बच्चे स्क्रूटनी और रिल्यूशन का फॉर्म रहे, मैंने सारा प्रोसेस बता रखा है। बहुत सारे बच्चों कह रहे हैं कि फीस नहीं जमा हो रहा है, रसीद नहीं डाउनलोड हो पा रही है, ये समस्या है, ये डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको जेन्यून सा 3 वीडियो प्रोवाइड किया था, अब इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी बच्चों, जिन भी बच्चों की समस्याएं आ रही होंगी, वो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, दूसरे ऑप्शन पर आपको जो आपने फी पेमेंट किया था उसका प्रोसेस होगा, काफी सिंपल सा प्रोसेस है, आप उस तरीके से करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और तीसरा जो है उसमें आपका जो आपकी फीस रसीद डाउनलोड होती है और कॉलेज में जमा करनी होती है, क्या क्या करके कहाँ सिग्नेचर करके जमा करनी होती है, वो भी सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर तीनों वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। एक एक आप वीडियो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उसको देख करके करेंगे तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपका रिजल्ट अपडेट होने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा 20 तारीख को आपका रिजल्ट जारी हुआ था, 21 तक स्मूथली वर्क करने लगा था और जो समस्याएं उनके पास गई थी, यानी बोर्ड के पास जब समस्याएं पहुंची थी उस वक्त तक आपका 23 तारीख हो गया था। और 23 तारीख को आपके B2P के सचिव ने भी कहा था, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, कि 10 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या होता क्या है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एब्सेंट है, 00 नंबर है, ए है, मार्क मतलब एब्सेंट मतलब ए है, और मार्क्स वेटिंग है, MW है, तो इस केस में होता क्या है। जैसे मार्क्स वेटिंग की बात करें तो आपने कहीं चीटिंग वगैरह की होगी, या फिर कॉलेज में आपके कॉपी के ऊपर लाल पेन वगैरह लगा दिया, तो इस केस में क्या किया जाता है, सबसे पहले आपके ऊपर सोच विचार किया जाता है कि हाँ आपने किस तरीके की चीटिंग की थी। हो सकता है कुछ नॉर्मल से, जैसे कि इधर उधर झांक के आप बच्चे देख लेते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें, तो उनके ऊपर भी लाल पेन लगा दिया था, या फिर कह लिया जाता है कि हाँ इस बच्चे ने चीटिंग करते हुए मतलब पकड़ा गया है। अदरवाइज क्या होता है कि आप बहुत सारे चीट लेकर के जाते हैं, इस केस में पकड़े जाते हैं, तो उसमें उस पर सोच विचार किया जाता है कि उस बच्चे को नंबर दिया जाए, पास किया जाए, या फिर उस सब्जेक्ट में बैक लगा दिया जाए। पिछली बार की बात करूँ तो मुझे तो आंकड़ा नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका PDF अभी भी मेरे पास है, उसमें लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मतलब जिनका भी UFM लगा था, कह लिया कि इस कैटेगरी में मार्क्स वेटिंग में पकड़े गए थे, UFM लग गया था, तो उनको क्या किया था बोर्ड ने अपने संस्था में यानी लखनऊ में बुलाया गया था सभी बच्चों को। दिनांक याद है, 2 तारीख को बुलाया गया था, यह मंथ याद नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा पिछली न्यूज़ कितने बच्चों को बुलाया गया था, और सभी बच्चों को वहाँ पर जाना भी पड़ा था। जो बच्चे नहीं गए थे उनके रिजल्ट में उस सब्जेक्ट में जिसमें चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे उसमें आपको फेल कर दिया गया था, यानी कि उसमें बैक लगा दी गई थी। अब जाहिर सी बात है बुलाया आपको क्यों जा रहा है, जाहिर सी बात है वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप क्यों चीटिंग मतलब आपने किस तरीके की चीटिंग की, क्यों चीटिंग की, क्या समस्या थी, आगे से आप चीटिंग करेंगे या फिर नहीं, बस यही समझाया बुझाया जाएगा आपको और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया MW वालों के लिए। एब्सेंट वालों के लिए क्या होगा, एब्सेंट वालों के लिए आपके कॉलेज से, बोर्ड आपके कॉलेज से बात करेगा कि भाई इसने आपके इसने एग्जाम दिया है, अगर प्रैक्टिकल की बात करें या फिर थ्योरी की बात करें, दोनों की बात कर रहा हूँ, बोर्ड से बात करेगा इसने, बोर्ड कॉलेज से बात करेगा आपके कि हाँ इसने आपके एग्जाम दिया है या फिर नहीं, या फिर हो सकता है आप प्राइवेट कॉलेज वगैरह कहोगे तो आपका जो जहाँ सेंटर गया होगा वहाँ से बोर्ड बात करेगा कि देखिए ये बच्चा प्रेजेंट था या फिर एब्सेंट था, तो वहाँ से सारा डाटा फिर वो कॉलेज क्या करेगा बोर्ड को भेजेगा, उसके बाद से आपका रिजल्ट अपडेट होगा। तो इसमें कम से कम प्रोसीजर में मान लीजिए कि 12 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी काम होता नहीं है, जाहिर सी बात है आप सभी को मालूम ही होगा, तो इसमें 12 से 15 दिन लग जाएंगे। अब जैसा कि आपके सचिव ने भी कहा है, 23 तारीख को कहा था लगभग कि आपके 10 दिन लगेंगे, 10 दिन का मतलब कि अगर उनका भी 10 दिन लें तब भी आपका 3 तारीख हो जाएगा, तो आप सीधे शब्दों में मान के लीजिए कि 5 तारीख तक आपका रिजल्ट अपडेट होने की जो डेट है वो 5 तारीख तक आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। और जो खास करके जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ और समस्या हो रही है, तो आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है। अब उसमें जो भी प्रोसीजर आया होगा
होगा कि आपका देखिए मार्क्स वेटिंग में बैक लगाया जाता है या फिर क्या किया जाता है। और कुछ बच्चे क्या किए हैं उसमें भी स्क्रूटनी और रिलेशन का फॉर्म भर दिए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आपने भर दिया है। हो सकता है आपका जो अपडेट हो रहा है उसमें ना कुछ चीज़ें हों, लेकिन अगर आपने स्क्रूटनी रिलेशन का भर दिया है, सपोज कीजिए कि आपका मार्क्स वेटिंग है और उसमें भी आपने स्क्रूटनी रिलेशन भर दिया है, तो आपका पैसा भले ही बर्बाद होगा लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं, आपने भर दिया है तो हो सकता है उसमें भी क्लियर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 5 तारीख तक आप वेट कीजिए, जैसे ही मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिस आती है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। और इस बात का सभी बच्चे विशेष ध्यान जरूर रखेंगे कि जिन भी बच्चों के पास फ्रॉड कॉल वगैरह आ रहे होंगे, अपने दोस्तों वगैरह को भी सूचित कर देंगे कि इस तरीके के आप ढांचे में नहीं पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, आपने पैसा दे भी दिया, सपोज कीजिए कि किसी बोर्ड के अधिकारी ने या फिर आपके आपके टीचर ने ही, आपके कॉलेज के टीचर ने ही कह दिया कि हम आपका बैग या फिर ईयर बैग क्लियर करा देंगे, आपने पैसा दे दिया, और जब मामला ऊपर तक पहुंच गया कि सभी लोगों को जानकारी मिल गई कि हाँ इस तरीके के काम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो फंसने लगेगा, तो वो कहेगा, मतलब वो कहेगा कि हाँ मतलब मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, ना ही इन्होंने मुझे पैसा दिया है, तो उस केस में आपका पैसा भी फंस जाएगा और आप भी फंस सकते हैं। तो इस तरीके के केसेस में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, सभी को सूचित जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।